हाय गाइस, मैं निकला और आप देख रहे हैं बस वेट है। गाइस, ये तो आप सभी को पता होगा कि फेसबुक ने अब अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है और ये खबर इस वक्त लोगों के बीच एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। किसी ना किसी से आपको कभी ना कभी सुनने को मिल ही जाएगा कि फेसबुक ने अपना नाम अब चेंज कर लिया है। और ये न्यूज इतनी कंसर्न्ड इसलिए है क्योंकि फेसबुक बच्चे बूढ़े जवान सभी के बीच बहुत पॉपुलर रहा है और सभी लोग इस नाम से बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हैं। इजी टू रीड है, इजी टू स्पेल है। तो इतना जब सब कुछ इजी चल रहा है लाइफ में, तो फिर ऐसा क्यों फेसबुक ने अपना नाम रीनेम करने का डिसीजन क्यों लिया? अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है तो चलिए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको गाइज ये समझना होगा कि फेसबुक ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम यहाँ पे चेंज किया है, ना कि अपने सोशल नेटवर्क एप्स का और साइट्स का। पहले जो पेरेंट कंपनी हुआ करती थी उसका नाम था फेसबुक, अब उसका नाम मेटा होगा, जिसका मतलब ये है कि फेसबुक के जितने भी सोशल नेटवर्क है लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब एक्सेट्रा जितने भी इनके सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म हैं, इनकी अब एक पेरेंट कंपनी रहेगी जिसका नाम मेटा होगा और ये सभी सोशल प्लेटफॉर्म इस मेटा के अंदर वर्क करेंगे। और ये जो इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जिसे आप सुन रहे हैं कि फेसबुक नाम चेंज कर रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये एक यूजुअल एक्सरसाइज है। अगर गूगल को भी देखें तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट, और गूगल और गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लाइक एंड्रॉइड, गूगल पिक्सल एक्सेट्रा, ये सभी अल्फाबेट के अंदर काम करते हैं। अब बात आती है कि भाई ऐसा क्यों किया गया, पर्पस क्या है नाम रीनेम करने का। गाइज, नाम चेंज करना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक प्लानिंग का हिस्सा है। फेसबुक अब फ्यूचर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, फ्यूचर मॉडरेटर्स के साथ काम करेगा, जिसके लिए उसे इस तरह की एक्सरसाइज करना जरूरी था। इसके पीछे कुछ रीजन है, लाइक फेसबुक मॉडरेटर्स चाहते थे कि फेसबुक का जो डेवलपमेंट है वो अब सेपरेट डिपार्टमेंट में हो, एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाए, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर वर्क किया जाए और किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो नेम्स के बीच, और इस तरह की डिफिकल्टीज को दूर किया जाए। मेटा अब एक न्यू जनरेशन में कदम रखने जा रहा है, एक तरह की वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी होगी। हम लोग जो आज फेसबुक के जरिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहते हैं, चैट करते हैं, बात करते हैं, ये सब एक वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा होने वाला है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जो भी आप फिक्शनल मूवी आप देखते हैं जिसमें आप टेक्नोलॉजी देखते हैं कि हाँ ठीक है रियली इस तरीके से बात की जा रही है कि किसी रियल पर्सन से ही हम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ फेसबुक वर्क कर रहा है। जो जितनी भी आप फिक्शन मूवी देखते हैं वो सब रियलिटी में चेंज करने की कोशिश यहाँ पे फेसबुक कर रहा है। और साथ ही एक मेन रीजन ये भी यहाँ पे रहा है कि मार्क जुकरबर्ग की जो पावर्स हैं उनको थोड़ा कम किया जाए, उनको थोड़ा डिवाइड किया जाए, क्योंकि जब भी कोई यूएस गवर्नमेंट के साथ उनका क्वेश्चन आर हुआ है, क्वेश्चन सेशन हुआ है, तो गवर्नमेंट ने मार्क जुकरबर्ग को सीधा सीधा दोषी ठहराया है और उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को बोला है कि भाई आप अपनी जो पावर्स हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के बॉस हैं, जो मेटा के बॉस हैं, वो अब चाहते हैं कि ठीक है जो पावर्स हैं उनको डिवाइड किया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया जाए। तो इसलिए कुछ सेपरेट डिपार्टमेंट और सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की यहाँ नीड समझी गई और इसलिए यहाँ पे एक पेरेंट कंपनी का नाम चेंज करके कुछ यहाँ पे सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाने वाली है। तो इन माई ओपिनियन ये जो चेंज होने जा रहा है इसका इम्पैक्ट फेसबुक पर तो डेफिनेटली पड़ेगा। फेसबुक के लिए जल्द ही कुछ ऐसे पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे जो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करेंगे। इसका मतलब साफ है कि फेसबुक की जो ग्रोथ है वो आने वाले समय में उस पर्सन के हाथ में रहेगी जो अपॉइंट किया जाएगा। मेटा यानी कि फेसबुक जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये उन फिक्शन को रियलिटी में बदलने की तैयारी है जो अक्सर हम मूवीज में देखते हैं। अब ये कहना तो अभी जल्दी होगी कि मेटा अपने प्लान में और एम्बिशन में कितना सक्सेस हो पाता है, लेकिन फ्यूचर है, कुछ भी हो सकता है। किसने सोचा था कि गूगल आज इस मुकाम पे होगा जिस मुकाम पे आज है, ऐसा ही फेसबुक का भी कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि आने वाले समय में फेसबुक एक दूसरा गूगल बन के उभरे। वेल, ये थे कुछ ऐसी इन्फो जिनका आपको जनरली पता होना चाहिए। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है और इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।